नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम मुंबई में कोंकण टूर की शुरुआत हम मुंबई से कर रहे हैं। अभी मैं साउथ मुंबई में मसगांव में हूं। जिस जगह अभी मैं खड़ा हूं, इस जगह को भाउचा धक्का बोलते हैं। यहां से हम फेरी लेके अलीबाग जाने वाले हैं। इस समय मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ना, गाड़ी हमारी अंदर आ चुकी है। इस जगह सामने से देखिए, अब कुछ गाड़ियाँ और भी अंदर आ रही हैं। कुछ पैसेंजर्स यहाँ पर ऑलरेडी वेट कर रहे हैं, क्योंकि 5-10 मिनट में एंट्री स्टार्ट होगी और जिस फेरी में हम बैठेंगे गाड़ी भी उसी फेरी में लोड होने वाली है। 1700 रुपये हमने गाड़ी का चार्ज दिया और खुद का हमने चार्ज दिया 360 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। दिन भर में आज की डेट में यहाँ पर चार फेरी चलती हैं, तो मौसम के हिसाब से और टाइम के हिसाब से वो थोड़ा एडजस्ट करते रहते हैं। तो पहली फेरी सुबह 7:30 बजे की है, 1 घंटे में हम अलीबाग पहुँच जाएंगे। चलिए आपको फेरी के अंदर पहुँच के ज्वाइन करेंगे। लो जी, हम मुंबई से चल चुके हैं। कितनी सारी देखो बोट खड़ी हुई है। फिशरमैन लोग जो रात को मच्छी पकड़ के सुबह वापस यहाँ पर आते हैं, यहाँ बोट खड़ी करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर अभी फिशिंग कर रहे हैं बीच बीच में। आज फ्राइडे होने के बावजूद 70-80% फुल है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि कभी भी आपको यहाँ से अलीबाग जाना है, मतलब मुंबई से, तो एडवांस बुकिंग करवा के आइए, क्योंकि नीचे आप गाड़ी देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 80% जगह भरी हुई है। चलिए 10-15 मिनट ऐसे यहाँ खड़े होकर व्यू एंजॉय करते हैं, फिर कुछ चलकर सामने नाश्ता करेंगे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा एसी कैफ़े भी है। मैंने अपने लिए साबूदाना खिचड़ी ली है। खिचड़ी का आप टेक्सचर देख लो। इसका प्राइस है 120 रुपीज़। ठीक है, मतलब नीदर गुड नॉर बैड, एवरेज टेस्ट है। मेरे को आज भी याद है, मैं राजस्थान में जब जयपुर गया था ना, आज से 4 साल पहले, वहाँ जो मैंने साबूदाना खिचड़ी का टेस्ट इन्जॉय किया था ना, वो स्वाद दोबारा नहीं मिला। मुंबई से अलीबाग तक का जो सफ़र है ना, है बड़ा मज़ेदार, क्योंकि कुल मिला के 1 घंटे का ये रास्ता है। 15-20 मिनट बाहर बैठो, मौसम इंजॉय करो, समुद्र की लहरें देखो, उसके बाद आप अंदर आके कुछ नाश्ता करो, तो आपका समय कैसे निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पर जैसे मैंने बताया ना, काफ़ी बड़ी ये स्पेस है और आधे लोग यहाँ बैठे हैं और आधे लोग बाहर डेक पर खड़े हैं। तो जैसा जिसका मन करे, आप इस जर्नी को इंजॉय करो। लो जी, मांडवा जेटी हम पहुंच चुके हैं। एक चीज़ मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग नोटिस करी, जब गाड़ियाँ अंदर आ रही थी ना, तो मुझे लगा कि जब गाड़ी बाहर निकलेगी मांडवा पहुँच कर, तो सबको रिवर्स करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब काफ़ी लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और यहाँ से सीधे ही गाड़ी बाहर निकल जाएगी। लवली। मुझे किसी ने बताया कि अगर आप पैसेंजर फेरी से आते, जो गेटवे ऑफ इंडिया से चलती है, तो उसका किराया कम है। मतलब आपके पास गाड़ी नहीं है, खाली आपने आना है, तो 185 रुपये से लेकर 260 रुपया डिफरेंट फेरी सर्विसेज। तो एक बार चलकर वो फेरी सर्विस भी बाहर से देख लेते हैं। दो मिनट पैदल चलकर मैं पैसेंजर जेट्टी पॉइंट तक आ चुका हूँ। यहाँ से लोग चढ़ते हैं और उधर से ही सामने से उतरते हैं, जो गेटवे ऑफ इंडिया से मैंने आपको बताया कनेक्शन है इस जगह का। चलिए यहाँ से हम 15 से 20 किलोमीटर का सफ़र करके अलीबाग जो हमको जाना है, थोड़ा रुकते रुकते सीनिक व्यूज़ इन्जॉय करेंगे, सी बीचेस देखेंगे और आज दिन भर अलीबाग घूमेंगे। लो जी, आवाज़ सी बीच हम पहुँच चुके हैं। कितना मज़ा आ रहा है, चारों तरफ बहुत सारी हरियाली, समुद्र की लहरें ठीक हमारे सामने। मैं आपको कैमरा टर्न करके दिखाने वाला हूँ। ओह, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल।
मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था कि जब आप अलीबाग जाएंगे ना तो वहाँ पर आपको क्राउडेड सी बीच देखने को मिलेगा और आइसोलेटेड और वर्जिन सी बीच भी देखने को मिलेगा। तो इस सब में हम वर्जिन सी बीच साइड आए हैं। आओ जी थोड़ा रॉक पे खड़े होकर देखते हैं। ये देखो जी समुद्र की लहरें, लवली। यहाँ पर बहुत कम टूरिस्ट आते हैं, ऑब्वियस है जिनको पता है वही आएंगे। मेन जो यहाँ पे चार्म है ना वो ये है कि आप इस जगह आओ और सामने जो बेंचेस है ना आराम से यहाँ पर आके बैठ जाओ, एक घंटा दो घंटा जब तक आपका मन ना भरे ना, सिर्फ बैठकर आप मौसम का आनंद लो और इन लहरों को महसूस करो। सही है, ब्यूटीफुल। अभी हम 15-20 मिनट यहाँ पर थोड़ा टहलेंगे और उसके बाद हम आगे जाएंगे खीम बीच को। वैसे तो यहाँ से पैदल भी जा सकते हैं, 3 किलोमीटर का ये सफ़र है, लेकिन बीच में खाड़ी आएगी तो लो टाइड का टाइम होएगा तो आप पैदल निकल सकते हो, लेकिन अभी हमको गाड़ी से जाना होगा। तो गाड़ी से जाएंगे तो लगभग 9 से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये बीच है। और सामने देख रहे हैं आप छोटी छोटी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, वो छोटी छोटी नहीं है, बड़ी टॉल बिल्डिंग्स हैं। वो सारा मुंबई का कफ पैरेड एरिया, साउथ मुंबई। तो इस समय थोड़ा धुंध सा है तो इतना क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन मैं नज़रों से देख पा रहा हूँ। हम किहिम बीच पहुंच चुके हैं, गाड़ी हमने पार्किंग में खड़ी कर दी है। यह पार्किंग स्पेस देख लीजिए जो बनी हुई है। इस समय तो गिनती के ही कुछ टूरिस्ट हैं, 3 या 4 गाड़ी खड़ी हुई है। तो लेफ्ट राइट दोनों तरफ बहुत सारे स्ट्रीट फूड स्टॉल्स हैं, अगर आपका कुछ खाने का मन है तो यहाँ पर बैठ के खा सकते हो। आओ बीच किनारे चलते हैं। सही है, वाह, सही मज़ा आ रहा है यहाँ पर आकर। इस समय टूरिस्ट यहाँ पर काफ़ी कम है और जो टूरिस्ट हैं वो पानी में खूब इंजॉय कर रहे हैं, आप देखो सामने। और मज़ा भी तभी आता है अगर आप जूते उतार दो और आराम से पानी में चलो, थोड़ा सा बैठ जाओ। इस समय मैं अपने शूज़ नहीं उतार रहा, आगे चलकर किसी और बीच में आराम से थोड़ा और जूते उतार कर समुद्र किनारे चलेंगे। यहाँ पर कुछ कुर्सियाँ भी हैं, अगर आप बैठना चाहते हो और हवा इंजॉय करना चाहते हो तो खूब कर सकते हो। थोड़ा सा आप इधर देखिए, यहाँ पर ना 2 फोर्ट है, इसको बोलते हैं खंडेरी फोर्ट, और उसके 0.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर उसको बोलते हैं उंडेरी फोर्ट। तो बेसिकली ये दो छोटे से आइलैंड्स हैं, वहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के समय किले बनाए गए थे। तो मुझे काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने बोला था कि जब आप वहाँ पर जाएंगे ना कोंकण, मतलब स्पेशली अलीबाग आएंगे, तो विज़िट करिएगा। जाऊँगा कैसे मालूम नहीं है, तो मैं पता लगाऊँगा कि क्या मैं वहाँ पर जा सकता हूँ, और चांस होगा तो मैं ज़रूर जाऊंगा। सही है, थोड़ा 5-10 मिनट चलते हैं बीच किनारे और उसके बाद हम यहाँ से रिटर्न जाएंगे। आते समय मैंने देखा था रास्ते में एक दुकान के बाहर लिखा था कोकोनट चिक्की मिलती है यहाँ पर, तो चलकर वहाँ पर चिक्की खाएंगे फिर आगे घूमने निकलेंगे। किहिम बीच से अभी हम 2 किलोमीटर बाहर की ओर आए हैं, तो मैम हमारे साथ हैं। इनसे मैं पिछले 5 मिनट से चर्चा करके समझने की कोशिश कर रहा हूँ इनके पास क्या क्या है। तो इतना तो हमको समझ में आ गया कि ये सारे पापड़ की अलग अलग वैरायटी है। जब हम यहाँ से बीच की ओर जा रहे थे ना तो मैंने आपका ये बोर्ड देखा था कोंकण फूड, तो मैंने सोचा कि वापस रिटर्न में रुकेंगे। आपके यहाँ पर नारियल का चिक्की होता है, तो ये है, तो एक चिक्की मैं टेस्ट कर सकता हूँ। और ये पैकेट का क्या कीमत है? 80 रुपया। ये जो चिक्की हम खा रहे हैं ये आपने खुद बनाई है? अच्छा, शानदार है। गुड़ इस्तेमाल करते? गुड़ है और नारियल है। बहुत शानदार टेस्ट है, मजा आ गया। तो मैं आपसे एक ही पैकेट ले रहा हूँ, तो मेरे को अभी दे दीजिए, मैं आपको उसकी पेमेंट करता हूँ। सामने जो तालाब सा दिख रहा है, ये बरसात का पानी है ना?
हम इस समय तालाब से ज्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 10 मीटर ही दूर होंगे, और बड़ा ही नेचुरल एनवायरनमेंट है, ब्यूटीफुल, बहुत शानदार। तो टूरिस्ट रुकते हैं यहाँ पर लेने के लिए। तो कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? अभी एक साल से शुरू किया। बढ़िया, स्वाद मेरे को बहुत बेहद पसंद आया। हम अलीबाग की ओर जा रहे थे लंच करने के लिए, तो रास्ते में प्लान ये बन गया कि वर्सोली बीच की तरफ चलते हैं, यहाँ पे लंच करेंगे। तो मैंने जहाँ पर लंच करना है वो रेस्टोरेंट तो आइडेंटिफाई कर लिया है, तो सोचा जब तक नज़दीक में ही सी बीच है, एक बार ये समुद्र का किनारा भी देख लेते हैं। अभी तो देखो लो टाइड का टाइम है, तो पानी का बहाव पीछे की ओर है, हाई टाइड के समय पानी यहाँ तक आता है। अलीबाग यहाँ से हार्डली 2-2.5 किलोमीटर ही दूर है। अलीबाग में भी सी बीच है, वहाँ पर भी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, और यहाँ पर भी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं। इस समय नहीं हो रही कोविड की वजह से, लेकिन रूटीन में होती हैं। सही है, हार्डली कुछ ही गिनती के टूरिस्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बीच का मज़ा भरपूर है। चलिए जहाँ पर हमको लंच करना है वहाँ पर चलते हैं, यहाँ से मुश्किल से 50-60 मीटर ही दूर है। मैंने आपको बताया था ना, मैंने एक रेस्टोरेंट आइडेंटिफाई किया लंच के लिए, वास्को द गोवा, यहाँ पर हम लंच करने आए हैं। लंच शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर सूप पी रहा हूँ। सूप आप देखिए, ये है कुलथ दाल का सूप। आज से पहले मैंने इस तरह का सूप बहुत बार पिया, स्पेशली जब मैं उत्तराखंड में ट्रैवल कर रहा था, लेकिन तब ना दाल का सूप बनाते थे। यहाँ डिफरेंट क्या है, दाल का पाउडर बनाते हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं सूप बनाने को। बड़ा मज़ेदार टेस्ट है। जब मैंने आपको बताया उत्तराखंड गया था, मैंने वहाँ मैंने कुलथ दाल का सूप जगह जगह पिया था, उसके स्वाद में और इसके स्वाद में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इतना फ़र्क है कि लग भी नहीं रहा कि मैं सेम सूप पी रहा हूँ। इन्होंने क्या किया, सूप बनाने के बाद ना लहसुन के छोटे छोटे पीसेस करके ना ऊपर ऐसा ऐड कर दिया है, इसकी वजह से लहसुन का टेस्ट इसमें अच्छे से डोमिनेट कर रहा है। ओवरऑल अच्छा लगा मुझे इसका टेस्ट। लंच आ चुका है, मैं आपको बताता हूँ हमने अपने लिए क्या क्या मंगवाया है। सबसे पहले आप देखिए, ये जो आप सब्ज़ी देख रहे हैं ना, ये ड्रमस्टिक के पत्ते होते हैं, उनको इस्तेमाल करके सब्ज़ी को तैयार किया गया है। मुझे नहीं याद मैंने आज से पहले कभी ड्रमस्टिक के पत्तों की सब्ज़ी खाई हो। और आपको दिखाने के लिए मैंने ये पत्ते मंगवा लिए हैं। कुछ देर पहले मैं किचन में गया था, मैंने ये सब्ज़ी अपने सामने बनते हुए देखी थी, तो ऑब्वियसली पत्ते तड़का लगाया, पत्तों को काट के ऊपर डाला, और साथ में इसमें इन्होंने कोकोनट भी इस्तेमाल किया। और ये है, इसको बोलते हैं कड़वे वाल, ठीक है। कड़वे का मतलब ये नहीं है कि कड़वा है, लेकिन नाम ही कुछ ऐसा है, ये वाल है। तो अब ये वाल क्या चीज़ है, ये बेसिकली बीन्स है, तो पहले हरे होते हैं, फिर सूखने के बाद ऐसा हो जाता है, इसको स्प्राउट बनाते हैं। स्प्राउट बनाने के बाद एक एक दाना हाथ में लेके उसका छिलका निकालते हैं, उसके बाद ये बनता है वाल, और उसके बाद वाल की सब्ज़ी। ग्रेट है। साथ में हमने अपने लिए पॉम्फ्रेट फिश करी मंगाई है, आप इसका टेक्सचर देखिए, लवली। कुछ देर पहले मैं जब किचन में देखने गया था ना, तो मैंने नोटिस किया था इसको बनाने में ना कोकम भी इन्होंने इस्तेमाल किया, और साथ साथ कोकोनट मिल्क इस्तेमाल किया। एक दो किस्म के इनके पास पेस्ट थे जो पहले से बना के रखे थे, वो भी इस्तेमाल किया। तो बनते समय मेरे को लग रहा था कि ये फाइनली जो आउटकम बनेगा, निकलेगा ना, बढ़िया होगा। चलिए जी, सबसे पहले टेस्ट करेंगे ड्रमस्टिक के पत्तों की सब्जी। बहुत डिफरेंट टेस्ट है, मज़ा आ गया। सबसे मेन जो चीज़ इसमें है ना, ड्रमस्टिक के पत्ते तो है ही हैं, लेकिन जो टेस्ट डोमिनेट हो रहा है वो इन्होंने कोकोनट को श्रेड करके डाला है ना, कोकोनट का टेस्ट तो बिग टाइम डोमिनेट हो रहा है। और ऑब्वियसली राइस के साथ मज़ा नहीं आएगा, इसको चपाती के साथ ही ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, हमने फ़िश करी सोच के राइस मंगवाया। इसको वैसे ना सहजन के पत्ते की सब्ज़ी बोलते हैं, मैं पहली बार खा रहा हूँ। हल्की हल्की कड़वाहट है इस टेस्ट के अंदर, लेकिन कोकोनट डालने से ना वो बैलेंस आउट हो गई है। टेस्ट बहुत यूनिक है, अगर आपने आज से पहले कभी ट्राई नहीं किया तो आपको करना चाहिए।
आमतौर पे ना बीन्स का स्वाद ऐसा नहीं होता जैसा इसका स्वाद है, मेरा मतलब है राजमा या और भी तरह के जो बीन्स हम खाते हैं, एकदम अलग टेस्ट है। और इसमें पूरी की पूरी जो गेम बदल रही है वो है ये मसाला। कुछ लोग इसको मालवानी मसाला बोलते हैं, यहाँ पर मेरे को एक दो लोगों ने बताया था कि इसका ना वाल का अलग से मसाला भी आता है, घरों में तो लोग खुद बनाते हैं लेकिन मार्केट में मिलता है तो वही इस्तेमाल किया जाता है इसको बनाने में। तो ये बड़ी टिपिकल रेसिपी है जो एक पर्टिकुलर मसाले के साथ ही तैयार की जाती है ऑथेंटिक टेस्ट के लिए। जैसा मैंने आपको बताया कोंकण टूर का आज हमारा डे वन है, जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे कोस्टल साइड से तो फिश करी मैं जगह जगह टेस्ट करूँगा देखने के लिए कि टेस्ट में कितना फ़र्क आता है, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने बोला आपको हर कुछ किलोमीटर बाद देखना टेस्ट में बहुत फ़र्क महसूस होगा। जैसे आप ऑब्वियसली रायगढ़ से हटकर रत्नागिरी जाओगे एक डिफरेंट टेस्ट आपको मिलेगा, उसके बाद सिंधुदुर्ग का तो स्वाद ही अलग है। जैसा मैंने आपको गुजर पहले बताया इसमें कोकोनट मिल्क मैंने बनते समय देखा था इस्तेमाल हो रहा था, उसकी वजह से हल्की सी मिठास है, हालांकि इन्होंने कोकम भी डाला है लेकिन कोकोनट मिल्क डोमिनेट कर रहा है। यहाँ पे लंच एक्सपीरियंस हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहा। अब इसको हम फिनिश करेंगे और आपसे अब हमारी मुलाकात कुछ देर बाद होगी। दो तीन ऑप्शंस हैं कि अभी हमें कहाँ जा सकते हैं नज़दीक के हिसाब से, वैसे अलीबाग तो जाना ही है और अगर उससे पहले कुछ साइट सीइंग अपॉर्चुनिटी बढ़िया मिलेगी तो बीच में रुकेंगे, नहीं तो डायरेक्टली आपको अलीबाग पहुँच के ज्वाइन करते हैं। हम लंच करके निकल ही रहे थे तो हमारी मुलाकात प्रशांत भाई से और योगी भाई से हुई। नमस्कार। नमस्कार। इनसे बात करते करते मुझे पता चला कि आपको हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। इनको ना केवल कोंकण हिस्ट्री के बारे में काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और नॉलेज है बल्कि पूरे हिंदुस्तान की हिस्ट्री बहुत अच्छे से जानते भी हैं। तो इन्होंने मुझे बताया कि नज़दीक में एक शिलालेख आपको दिखाने लेके चलते हैं और इस जगह की खास बात, मतलब इस शिलालेख की खास बात जो आपने बताई कि 7th या 8th century का ये शिलालेख है। तो सामने जो आप स्टोन देख रहे हैं ना इस पे कुछ लिखा गया है जिसके बारे में अभी हम यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो नज़दीक चलते हैं फिर आप जी इस शिलालेख के बारे में कुछ हमें बताइए। जी ये शिलालेख जो है ये 7th या 8th शताब्दी में उस वक्त जो राजा था उसने लिखवा के लिया है। ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और जनरली इस पे वो राजा के जो इंस्ट्रक्शन थे जो एक कॉमन मैन डे टू डे देख ले वो सब इंस्ट्रक्शन उन्होंने इस गांव के बारे में इस शिलालेख पे लिखे हुए हैं। जैसे आपने हमें शिलालेख दिखाया कि इस गांव के इंस्ट्रक्शंस इस पे लिखी गई थी आज से 1300 साल पहले, तो ऐसे तो इस एरिया में और भी होंगे? जी बहुत है, हम 25 तक आपको दिखा सकते हैं और नए नए भी डिस्कवरी इस पे हो रही है और सामने नए शिलालेख भी आ रहे हैं। अच्छा सही है, कुछ यहाँ पर आके हमने नया जाना नया देखा। आज से पहले जो सबसे प्राचीन शिलालेख मैंने देखा था कि वो था ओडिशा में, हमने देखा था अशोक राजा अशोक के शिलालेख, तो वो तो चलो सब उसके बारे में जानते हैं लेकिन इसके बारे में बड़ी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, शायद आप लोग जानते हैं, टूरिस्ट को तो नहीं पता। सही मायने में क्या करना चाहिए इसको ना प्रिजर्व करने की ज़रूरत है कि कुछ एक बाउंड्री वॉल लगाई जाए बाहर, कुछ इंग्लिश में हिंदी में मराठी में उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी जाए सो दैट पता लगेगा लोगों को कि इस तरह की चीज़ यहाँ पर है। अच्छा लगा आप लोग से मिलके। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। रास्ते में हमने हीराकोट तालाब का बोर्ड देखा तो गाड़ी रोक ली है कि तालाब को नज़दीक से देखते हैं, आइए अंदर को चलेंगे। ये देखो जी आप, इसको बोलते हैं हीराकोट तालाब, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन सही है, एक लोकल साइट सीइंग अलीबाग के अंदर ये भी एक साइट सीइंग पॉइंट है, ओवरऑल वेल मेंटेन्ड। जैसे ही हीराकोट तालाब है इसी प्रकार से ना सामने हीराकोट फोर्ट भी है। मुझे किसी ने बताया कि अभी फोर्ट तो नहीं है वहाँ पे लेकिन उस जगह को जेल में कन्वर्ट कर दिया गया है, एक बार हम बाहर से उसको भी देखेंगे। मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था मैं आपको हीराकोट तालाब के सामने हीराकोट फोर्ट दिखाने लेके चल रहा हूँ, यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला ये फोर्ट नहीं है ये पैलेस है, लोकल भाषा में इसको गढ़ी बोलते हैं। आज की तारीख में यहाँ पर जेल है जिसका ऑब्वियस मतलब है हम अंदर नहीं जा सकते।
जो यहाँ अधिकारी थे उन्होंने बोला कि इधर आप वीडियो मत बनाइए, मतलब इधर वीडियो मत बनाइए, तो इसलिए मैंने मेन एंट्रेंस खाली खुद देख ली, तो थोड़ा मैं साइड की तरफ आ गया इसकी वॉल के स्ट्रक्चर को देखने के लिए जो आप अभी सामने देख रहे हैं। तो ये हीरे की आकार में है, मतलब डायमंड की शेप है, इसी वजह से इसका नाम है हीराकोट फोर्ट, तो नहीं हीराकोट पैलेस, ठीक है। तो चलो हमने थोड़ा सा बाहर से देख लिया, अब हम यहाँ से चलते हैं, थोड़ा सा अलीबाग घूमेंगे और शाम को हम भी सनसेट देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। इस समय हम अलीबाग में श्री कान्हो जी आंगरे जी का मेमोरियल विजिट करने आए हैं। सामने आप उनका स्टैचू देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड में जाके हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। आज से लगभग 400 साल पहले जो वेस्ट कोस्ट का कंट्रोल है, कुछ सिद्दीज़ के पास हुआ करता था और कुछ कंट्रोल गुजरात सल्तनत के पास हुआ करता था, मतलब टैक्स वगैरह वहाँ पर जाया करता था। जिन दिनों में मराठा स्ट्रांग हो गए अंडर द लीडरशिप ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी स्ट्रैटेजी थी कि जितना हमारा कोस्टल एरिया है वहाँ पर हमें फोर्ट बनाने चाहिए, जिससे कि हम जो बाहर से लोग आ रहे हैं इंग्लिश डच पोर्चुगीज़, तो उन पर हम नज़र रख सकें और उनको अटैक करके यहाँ आने से रोक सकें। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कह सकते हैं इस बात की नींव रखी कि हमें अपने कोस्ट गार्ड को रोकना है, तो जाके हमारी जो भूमि है वो बाहरी लोगों से फ्री हो सकेगी। और उनके देहांत के बाद इस बात को आगे बढ़ाया श्री कान्हो जी आंगरे जी ने, जिनका मेमोरियल हम यहाँ पर विजिट करने आए हैं। इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, अगर आप थोड़ा गूगल सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी। अच्छा हो गया हम यहाँ पर आए, यहाँ पर आके हमने खुद से मेमोरियल विजिट किया और इस बारे में डिटेल में जाना और आपके साथ शेयर किया। चलिए अब हम यहाँ से अलीबाग बीच को चलते हैं। पाँच मिनट का सफ़र करके अभी हम अलीबाग बीच के पास आ चुके हैं। आधा घंटा पहले तक तो धूप निकली हुई थी और अब अचानक मौसम देखो कितना बदल गया, ऊपर हर तरफ काले बादल और ऐसा लग रहा है कि अगले 10 मिनट में बारिश होने वाली है। ये देखो जी बीच की एंट्रेंस कैसी है, यहाँ पर खड़े होके कितना खूबसूरत समुद्र का व्यू दिखाई दे रहा है। आओ बीच के पास चलते हैं। मौसम अच्छा होने से ना और बढ़िया भी लग रहा है पहले से, मतलब पहले अच्छा लग रहा था लेकिन अब तो खूबसूरती को जैसे बोलते हैं ना चार चांद लग गए, लवली। अभी देखो हाई टाइड है तो पानी काफ़ी आगे तक आ चुका है, जब लो टाइड का समय होता है तो पानी जब पीछे जाता है ना तो सामने आपको जो फोर्ट दिखाई दे रहा है आप उस फोर्ट तक पैदल चल के जा सकते हो। अगर आपको कुलाबा फोर्ट जाना है हाई टाइड के समय तो अपने को बोट पे जाना पड़ेगा, तो इस समय तो मैं नहीं जा सकता क्योंकि अंधेरे का टाइम होने वाला है। कल कोशिश करूँगा मॉर्निंग में मैं थोड़ा जल्दी आऊँ और कुलाबा फोर्ट विज़िट करूँ, क्योंकि ये यहाँ पर खड़े हो गए ना मेरे को बड़ी स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि मेरे को वहाँ पक्का जाना चाहिए। कुछ देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था ना कि छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम ये स्ट्रैटेजी हुआ करती थी कि हम कोस्ट पे अपनी नज़र रखने के लिए किले बनाएं, तो ये किला उनमें से एक है। और व्यू तो ओ, क्या कहने, यहाँ पर कुछ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होती हैं, बाकी ऐसा मेरे को यहाँ पर देख के लग रहा है कि कोई भी पर्सन अगर अलीबाग आता है तो यहाँ पर ज़रूर आता है क्योंकि इस समय यहाँ पर क्राउड काफ़ी ज़्यादा है। नाइस प्लेस, गुड लोकेशन और ऐसा क्लाउडी होने से ना और अच्छा लग रहा है। मुझे काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने बोला था जब आप अलीबाग आओगे ना तो मयूर बेकरी ज़रूर विज़िट करना, तो अलीबाग बीच से पैदल मुश्किल से 5 से 7 मिनट चलकर अभी हम मयूर बेकरी के बाहर तक आ चुके हैं। चलिए अंदर चलते हैं और पता लगाते हैं यहाँ का क्या फेमस है, जो फेमस है हम वही टेस्ट करेंगे। बेकरी के अंदर आके एक बार के लिए तो मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ सा हो गया था कि यहाँ पर क्या खाएं, तो हमारी मुलाकात यहाँ पर इस बेकरी के ओनर जैन भाई से हुई है, तो इनसे मैंने बोला कि आपका सबसे ज़्यादा क्या फेमस है वो बताइए, मैं वही टेस्ट करूँगा। तो इन्होंने बोला कि ज़्यादा लोग पसंद पैटीज़ करते हैं और वॉलनट केक करते हैं, कप केक की फॉर्म में ये वॉलनट केक है। तो ये पैटीज़ के अंदर जैन भाई क्या है? आलू और प्याज सब्जी होती है। आलू और प्याज, वो
अगर मैं बहुत कम शब्दों में बोलूँ ना फर्स्ट बाइट लेने के बाद, तो जो चीज़ सबसे पहले महसूस होती है ना वो है फ्रेशनेस। तो शायद यही रीज़न है कि आप लोग की बेकरी इतनी पॉपुलर है। मेरे को काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने बोला था कि मयूर बेकरी ज़रूर जाना, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि वहाँ की खाना क्या। तो कितने साल पुरानी बेकरी है ये? 44 इयर्स पुरानी बेकरी है। मेरी चाची ने चालू की, वो न्यूट्रिशनिस्ट का थीम रखा था कि ये जीरो प्रिजर्वेटिव बेकरी है। अच्छा, तो आपकी बात से मैं जो समझाऊँ कि आप कुछ भी प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल नहीं करते? कौन से भी प्रोडक्ट में कुछ भी प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल? एक्सीलेंट एक्सीलेंट, मजा आ गया। इसमें क्या है अपना वॉलनट के अलावा? वॉलनट कैश्यू। अच्छा, मीठा बड़ा संभल के, मतलब एकदम बैलेंस्ड है। वाकई में टेस्ट तो एक्सक्लूसिव है। पैटीज भी अच्छी है और ये आपका कप केक भी शानदार है। तो शाम को कितने बजे तक बेकरी ओपन रहती है? सुबह 7 बजे से रात को 8 बजे तक खुलेगी। सुबह 7 से शाम को 8 बजे। धन्यवाद आपने टाइम दिया। और आप जब अलीबाग आएंगे और आप ऐसा कपकेक टेस्ट करना चाहते हैं, तो अलीबाग बीच से यहाँ वॉकिंग 5-7 मिनट की ही दूरी पे मयूर बेकरी है। ठीक है जी, तो हम चलते हैं सर यहाँ से। ठीक है जी, थैंक यू। आज ना पहले मैंने प्लानिंग करी थी कि दोपहर में लंच मैं सम्मान होटल में करूँगा अलीबाग में, तो लंच टाइम तो मैं यहाँ नहीं पहुँच सका। अब शाम के 7 बजे हैं, भूख नहीं लगी है मेरे को, क्योंकि अभी थोड़ा मेरे को लग रहा है कि खाना मैं 1-1.5 घंटे या 2 घंटे के बाद खाना चाहता हूँ। तो फिर भी मैं यहाँ पर आ गया हूँ देखने के लिए, क्योंकि जो जगह मैंने प्लान आउट करी थी वो जगह कैसी है। आइए जी, मैंने अपने लिए यहाँ पर ना जिताड़ा फिश ऑर्डर करी है, फिश फ्राई। जब तक वो तैयार हो रही है, अपने लिए मैंने मंगवाई है सोल कड़ी। आज हमारा कोंकण टूर का डे 1 है। आगे चलकर हमको बहुत सारी सोल कड़ी जगह जगह टेस्ट करने को मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए, आप कोंकण में, गोवा में जब सफ़र करेंगे, या फॉर दैट मैटर कोस्टल कर्नाटका में भी, तो आपको सोल कड़ी एज ए एपेटाइज़र जगह जगह मिलेगा। बॉय गॉड, टेरिफिक टेस्ट है। एपेटाइज़र तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी नींद भगा दे ऐसा टेस्ट है। कहने का मतलब है कोकम की खटास, और साथ में इसमें कोकोनट मिल्क इस्तेमाल होता है। लहसुन थोड़ा सा डालते हैं, अदरक थोड़ा डालते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा धनिया भी डालते हैं, तो कुल मिला के बड़ा टेस्टी कॉम्बिनेशन है। मुझे सबने बोला था कि दिन में एक बार आप जब कोंकण टूर कर रहे होगे ना, सोल कड़ी ज़रूर पीना। आपको उसमें भी टेस्ट में वेरिएशंस मिलेंगे जैसे आप आगे बढ़ोगे। ताड़ा फिश फ्राई आ चुकी है, साथ में कुछ पीसेस प्रॉन्स के भी हैं। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डालेंगे नींबू। ये ना आपको रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये फिश मिलेगी, ऐसा मुझे काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने बोला था। बहुत डिफरेंट और मज़ेदार टेस्ट है। पे आने के बाद ओनर से पूछ रहा था कि ये फ्रेश वाटर फिश है या सॉल्ट वाटर फिश है, तो उन्होंने बताया कि दोनों में होती है। फिलहाल जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ ये सॉल्ट वाटर फिश है। गजब का डिश है प्रॉन्स का। तो इनफैक्ट मेरे को फिश भी स्वाद लगी और प्रॉन्स भी सुपर टेस्टी। अभी ना काम करेंगे, एक मैं सोल कड़ी और मंगाता हूँ अपने लिए, और ये फिनिश करके सोल कड़ी पी के फिर यहाँ से निकलूँगा। थैंक यू। सोल कड़ी का तो वाकई में हैंगओवर है, थोड़ा सा पीने के बाद मन करता है और पियो, ऐसा स्वाद है। तो अब आपको मैं कुछ देर में दोबारा ज्वाइन करूँगा। आज का नाइट स्टे हम नगाँव में कर रहे हैं, यहाँ से कुछ ही दूरी पे है, 15-20 मिनट में हम लोग जिस कॉटेज में बुकिंग करवाई है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। वहाँ पहुँच के आपको ज्वाइन करता हूँ। हम नागांव पहुँच चुके हैं। यहाँ पर रहने के लिए हमने सिड्स कॉटेज में एकोमोडेशन ली है। डबल ऑक्यूपेंसी में टैरिफ है 6,500 रुपीज़ वीकेंड। आज वीकेंड है
और वीकडे का टैरिफ 5,000 रुपीज़ डबल ऑक्यूपेंसी टैरिफ। यहाँ पर आके मैंने जाना, यहाँ पर अलीबाग की बात कर रहा हूँ कि वीकेंड और वीकडे टैरिफ के अंदर काफ़ी वेरिएशन रहती है। और एक चीज़ मैंने और नोटिस करी, हम जनरली कहीं घूमने जाते हैं ना तो वहाँ पर होटल्स भी होते हैं, गेस्ट हाउसेज भी होते हैं, होमस्टेज भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉटेजेस और होमस्टेज ज़्यादा और होटल्स कम हैं। ऐसा मैंने समझा कि यहाँ पर लैंड प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, शायद वो रीज़न है कि होटल्स कम हैं। ये तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया। तो अब हम अंदर चल के लंच डिनर करते हैं। यहाँ पर डिनर में मैंने अपने लिए क्रैप करी और साथ में थोड़ी सी भिंडी ली है, और ये आप देख रहे हैं राइस भाकरी। सबसे पहले करी टेस्ट करेंगे। बहुत डिफरेंट टेस्ट है करी का। मैंने कुछ देर पहले पूछा था स्टाफ से कि भाई इसका कलर ऐसा क्यों है, मतलब इसमें ऐसा क्या मसाला डला है, तो मेरे को इन्होंने बोला मसाला कुछ नहीं डला, कलर इस वजह से है क्योंकि प्याज और कोकोनट इसमें दो मेन इंग्रेडिएंट है करी बनाने के लिए, और दोनों को क्या करते हैं, जैसे गैस जला के अपन भून लेते हैं ना, डायरेक्ट जल सा जाता है ना, तो वो चीज़ को उसके बाद उसको ग्राइंड करके इस्तेमाल किया गया, इस वजह से कलर इसका ऐसा है। कुल मिला के टेस्ट तो मज़ेदार है। प्लेट में ले लेते हैं। एक बात है, क्रैब खाने में ना स्किल की ज़रूरत भी है, और साथ में ना ऐसा लगता है कि इतने बड़े क्रैब में से इतना सा फ्लश निकलता है। स्वाद बहुत मस्त है, मतलब इसका फ्लश का जो टेस्ट है ना एकदम ही ज़बरदस्त है। जो सॉफ्ट पार्ट है ना क्रैब का, वो हम शेल के साथ खा सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैंने हल्की सी बाइट ली है। मैं धीरे धीरे क्रैब फिनिश करता हूँ और आपको यहीं पे बाय बाय कर रहा हूँ। पिछले 5 मिनट से बरसात होनी स्टार्ट हो चुकी है, अब देखते हैं कल का मौसम कैसा रहता है, और अगर मौसम कल क्लियर हुआ तो हम सुबह 7:30 और 8 बजे तक यहाँ से निकल जाएंगे, और दिन भर घूमते घूमते काशिद बीच और उसके बाद मुरुड़ जंजीरा होते हुए हम कल रात का कोशिश करेंगे नाइट स्टे हरिहरेश्वर में करें। बाकी देखेंगे कल दिन कैसे प्रोग्रेस करता है। तो आज मैं आपको यहीं पे बाय बाय कर रहा हूँ। आज का एपिसोड बताइए कैसा लगा, हमेशा की तरह मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। दैट्स इट, थैंक्स फॉर योर टाइम। हिंदी में अगर हम बोलेंगे कि हमको फिश बहुत पसंद है, दिन में कम से कम हम एक बार मच्छी जरूर खाते हैं, तो इसको कैसे बोलेंगे? नो अल्देसु जेत की पेश जाम ताउडू आणि पणो दीसु उवे तरी पेश कुमे तुका में। इसको तो जज कर पाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल नहीं समझा। अच्छा, तो मतलब आपकी जो बेसिक मदर टंग मराठी है तो, लेकिन आप बिल्कुल कैच नहीं कर सकते। अच्छा, तो आप लोग यहाँ बेसिकली जो बात करते हो इस भाषा में बात करते हो। कितना 250 के करीब फैमिलीज है? जी जी।